90 के दशक में अगर किसी एक्टर का कॉमेडी में सिक्का चलता था तो वो है गुड्डी मारुति। मेल एक्टर्स में अगर जॉनी लीवर का कॉमेडी क्षेत्र में दबदबा था तो वही गुड्डी का नाम बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में शुमार होता था जो अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट होने के लिए मजबूर कर देती थी। लेकिन दोस्तों, आप अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाने वाली गुड्डी मारुति के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनके परिवार के बारे में जानते हैं कि इनके परिवार में कौन कौन है, वो क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनके परिवार के सभी सदस्यों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें आपने शायद ही देखा हो। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। साथ ही गुड्डी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड की कॉमेडी क्वीन कही जाने वाली गुड्डी मारुति मुंबई के एक फारसी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें ये इनके माता पिता, मम्मी, भाई, बहन और हस्बैंड शामिल हैं। पहले बात करते हैं इनके पिता की, जिनका नाम है मारुति राव परब। वो 50 के दशक के मशहूर एक्टर हैं, पर अफसोस कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। पिता के बाद बात करें इनकी मम्मी की, तो इनकी मम्मी का नाम है कमल, जिनके इंटरनेट पर कोई तस्वीर नहीं है, पर इतना पता है कि वो भी 50 के दशक की मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं, मगर उनका शादी के कुछ समय के बाद ही निधन हो गया। माता पिता के बाद बात करें गुड्डी मारुति के भाई बहन की, तो पहले बात करते हैं इनकी बहन के बारे में, जिनका नाम है वैजयंती, और उनकी इंटरनेट पर कोई तस्वीर नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी है। वही बात करें इनके भाई की, तो इनके एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है दारा मुनव्वर अली, जिनका डॉन छोटा शकील के हाथों बुरी तरीके से हत्या हो गई थी। अब बात करते हैं इनके हस्बैंड की, तो आपको बता दें इन्होंने अपनी जिंदगी में केवल एक शख्स से प्यार किया जो आज इनके पति बन चुके हैं, और वो है अशोक, जो कि मुंबई बेस्ड एक बड़े बिजनेसमैन है। बात करें दोनों की लव स्टोरी की, तो आपको बता दें दोनों की लव स्टोरी काफी यूनिक थी, जिसकी शुरुआत कैसे हुई इस बारे में तो नहीं पता चल पाया है, पर बता दें कि अशोक इनकी फिल्में देखकर इनसे प्यार कर बैठे, पर वो कभी इनसे मिलने नहीं आए। लेकिन एक दिन जब मुंबई में एक बड़े बिजनेसमैन के घर पार्टी में वो गए, तो वहां पर वो अपने प्यार यानी गुड्डी मारुति से मिले। वहीं सभी के सामने उन्होंने उन्हें अपना हाल दिल सुना दिया। उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर जब बाद में इन्होंने उनसे बात की और उन्हें जाना, तो वो भी इनसे प्यार करने लगी, जिसके बाद देर ना करते हुए इन्होंने उनसे शादी कर ली और हमेशा के लिए उनकी हो गई। इस तरह से आज दोनों एक शादीशुदा खुशहाल जीवन बिता रहे हैं, पर आज भी दोनों का कोई बच्चा नहीं है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है गुड्डी मारुति की फैमिली के बारे में जानकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड के और भी सितारों की फैमिली के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।